गुड मॉर्निंग माय स्वीट स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन के बारे में, और आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन स्टडी करनी है। इसका नाम है मैकमोरी कपलिंग रिएक्शन, ओके। और इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी समझेंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से भी इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी यहाँ पे बात आती है, मैकमोरी कपलिंग रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट हम यूज में लेते हैं। तो हम टाइटेनियम बेस्ड एक रिएजेंट, या तो हम टाइटेनियम Cl3 या टाइटेनियम Cl4 को यूज में लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन सोर्स रहता है। या तो हम लेंगे TiCl3 या TiCl4, जो कि इलेक्ट्रॉन सोर्स रहता है। और जो स्टार्टिंग मटेरियल आप यूज में लेते हैं, लाइक एल्डिहाइड, सॉरी मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्डिहाइड, इसे वो क्या करता है, एल्डिहाइड को ये कन्वर्ट करता है रेडिकल केम में, देन रेडिकल कपल करते हैं। और कपलिंग के बाद आपको अकॉर्डिंग टू एरो के ऊपर अगर रिफ्लक्स लिखा है या फिर रूम टेम्परेचर लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने वाली, मैं लिख देता हूँ आपको। पहले चीज़ है कि टाइटेनियम हैज हाई एफिनिटी टू बाइंड O2 एंड गिव टाइटेनियम डाइऑक्साइड विच इज मोर स्टेबल कंपाउंड। इट मीन्स कपलिंग रिएक्शन के बाद टाइटेनियम O2 को बाइंड करके टाइटेनियम डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालता है। सेकंड वन इज, अगर हमारे पास रिफ्लक्स कंडीशन दे रखी है, अगर मेरे पास रिफ्लक्स कंडीशन दे रखी है, तो हमें रिफ्लक्स मीन्स क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर हम लगा रहे, हाई टेम्परेचर लगा रहे, तो डेफिनेटली जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा ना, वो सारे टेम्परेचर को सहन करने योग्य स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टेबल मीन्स क्या, इट मीन्स आपके जो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा वो ई टाइप का डबल बॉन्ड होगा। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा और वो रहेगा आपके पास ई डबल बॉन्ड। अगर आपने रूम टेम्परेचर पर रखा है, इट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर है। जनरल रिएक्शन में जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है, लाइक जेड डबल बॉन्ड या अनस्टेबल प्रोडक्ट रहता है, उसमें तो इतनी हीटिंग सहन नहीं की है ना, तो वो आपके पास रहेगा काइनेटिक या स्टेबल, काइनेटिक स्टेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो मैंने स्टेबल लिखा है ना, इसे आपको क्या करना है, नॉन स्टेबल प्रोडक्ट लिखना है। यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेना, नॉन स्टेबल, काइनेटिक नॉन स्टेबल प्रोडक्ट, जो कि रहता है जेड डबल बॉन्ड, ओके। अब हमारे पास है कि इसके अंदर रिएजेंट कौन से यूज में लेते हैं हम, तो रिएजेंट के रूप में हम यूज में लेते हैं वो रहता है आपके पास, जस्ट वन मिनट, टाइटेनियम TiCl3 एंड TiCl4। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, TiCl3 एंड TiCl4, इसका वर्क क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है रिएक्शन के अंदर, एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में इसे यूज में लेते हैं। फिर हमारे पास सेकंड वन, सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, तो सॉल्वेंट हम यूज में लेते हैं ईथर, एज ए सॉल्वेंट के रूप में हम यूज में लेते हैं। देन हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए, तो कंडीशन आप दो टाइप की लगा सकते हो। पहली कंडीशन आप लगा सकते हो रिफ्लक्स कंडीशन। रिफ्लक्स मीन्स क्या, आप हाई टेम्परेचर पे उसे रिफ्लक्स कर रहे हो, ठीक है, जो प्रैक्टिकली रहता है, यानी हाई टेम्परेचर दे रहे, उस कंडीशन में ई डबल बॉन्ड आपको, यानी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ई डबल बॉन्ड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। अगर आपने यूज में लिया रूम टेम्परेचर, तो जनरली जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है वो रहता है काइनेटिक प्रोडक्ट, जो कि सिस डायल के रूप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे सिस डायल, यही इसका शॉर्टकट है जो मैं आपको बता रहा था, दिस इज शॉर्टकट, ओके, शॉर्टकट ट्रिक है। आप एरो के ऊपर कंडीशन देखिए, अगर एरो के ऊपर TiCl3 लिखा है, ईथर एज ए सॉल्वेंट है, और कंडीशन रिफ्लक्स या RT दे रखा है, और एल्डिहाइड है, तो आपको कपलिंग रिएक्शन परफॉर्म करनी है और प्रोडक्ट निकालना है। देख लेते हैं इसको एक बार, देखिए ये हमारे पास एक रिएक्शन है, मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूं, ओके। देखिए ये स्टार्टिंग मटेरियल हो गया मेरे पास, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। कितने मोल लिए मैंने, 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड, और TiCl3 एज अ रिएजेंट के रूप में मैं यूज में ले रहा हूँ, जो कि इलेक्ट्रॉन सोर्स है, इलेक्ट्रॉन सोर्स हमारे पास रहेगा। दिस इज टर्ब ब्यूटॉक्सी मेथाइल, ये क्या मेरे पास एज ए सॉल्वेंट है, ये देखिए, ये टर्ब ब्यूटिल और ये मिथाइल ईथर, ठीक है, टर्ब ब्यूटिल मेथिल ईथर। और हमने कंडीशन क्या रखी है, कंडीशन को मैं हाईलाइट करता हूँ, रिफ्लक्स है। तो पहले जो TiCl3 है, दोनों ही बेंजल्डिहाइड को एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, और ये किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, दिस इज रेडिकल में कन्वर्ट होंगे, ये एक रेडिकल और नीचे वाला सेकंड रेडिकल। कैसे हुआ, मैं एक बार हिंट देता हूं आपको, एक मैंने PH कार्बन डबल बॉन्ड OH को इस टाइप से लिखा,
Cl3 से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करने के बाद आपके पास क्या होगा, ये बॉन्ड ओपन, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला गया, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है एज ए रेडिकल के रूप में। तो यहाँ पे मैं कार्बन का जो रेडिकल है उसे मैं हाईलाइट करता हूँ पिंक से, दिस वन इज, देखिए, और ये दो मोल लिए है तो दो रेडिकल बनेंगे आपके पास। अब रेडिकल का क्या होगा, अगर कोई रेडिकल रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो लास्ट में रेडिकल का होता है डाइमराइजेशन। तो यहाँ पे ये डाइमराइजेशन का स्टेप यहाँ परफॉर्म होता है, जस्ट वन मिनट, क्या आपको शो करना है डाइमराइजेशन, जिसे मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से, डाइमराइजेशन, जस्ट वन मिनट, ओके, ये क्या हुआ डाइमराइजेशन। तो डाइमराइजेशन में क्या हुआ, कार्बन का नंबर दे देता हूँ, दिस इज वन नंबर कार्बन, दिस इज टू नंबर कार्बन, जो कि रेडिकल एक और दो आपस में डाइमराइज होंगे, और इस टाइप से डाइमराइज होंगे कि जो बल्काइल ग्रुप है लाइक पीएच, दिस वन एंड पीएच एक दूसरे से फार अवेयर है, तो वन नंबर कार्बन जिसको मैं रेड से नाम देता हूँ, दिस वन एंड दिस टू, वन एंड टू में इन द प्लेन पीएच है, एक दूसरे से फार अवेयर। अब यहाँ पे ये भी अरेंजमेंट ध्यान में देना है कि ऑक्सीजन जो है वो दोनों ही अबाउट द प्लेन होनी चाहिए या बिलो द प्लेन होनी चाहिए, ऐसा क्यों, हमने तो कहा सर एक बल्काइल है दूसरे से अलग होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या थ्योरी है कि टाइटेनियम O2 को बाइंड करता है एक ऑक्सीजन, इसको दिस वन, एक ये वाला ऑक्सीजन, एक दूसरा वाला ऑक्सीजन, इसको कौन बाइंड करेगा माय डियर, इसे बाइंड करने के लिए हमारे पास है टाइटेनियम मेटल, और कब बाइंड कर पाएगा, जब दोनों ही O- अबाउ द प्लेन हो या दोनों ही O- बिलो द प्लेन हो, इसके लिए ही ये अरेंजमेंट आपकी यहाँ पे फिक्स बैठती है। इस कंडीशन में टाइटेनियम जब दोनों ही O- सेम फेस के अंदर होंगे तो इससे ये क्या करेगा, बाइंड अप करेगा, तो बस ये माइनस टाइटेनियम के ऊपर अटैक, ये माइनस भी टाइटेनियम के ऊपर अटैक, और ये बाइंड कर लेगा। तो नेक्स्ट वन इज जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये टाइटेनियम मेटल हम यहाँ पे ले रहे हैं, दिस वन जो कि रिएक्शन के अंदर TiCl3 से आता है, और ये दोनों ही, मतलब ये देखिए, ये ऑक्सीजन, ये टाइटेनियम और ये सेकेंड ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन को ये बाइंड अप कर रहा है, और नेक्स्ट जब आप रिफ्लेक्स कर रहे हो तो ये टाइटेनियम O2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्या हो गया, दिस वन इज टाइटेनियम O2 के रूप में बाहर निकला, और आपको प्रोडक्ट मिला आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ TiO2, आपको प्रोडक्ट मिलेगा E डबल बॉन्ड, ओके, जिसके अंदर बल्कि ग्रुप पीएच एंड पीएच एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक डबल बॉन्ड के बिलो है तो सॉरी यानी कि डाउन साइड में है तो एक अप साइड के अंदर है, ओके, और ये बन गया आपके पास E डबल बॉन्ड। तो माई डियर, हमने क्या देखा कि एरो के ऊपर कंडीशन क्या, मैं डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन सॉल्व करता था, अगर मुझे ये देखा, मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है, एरो के ऊपर कंडीशन है TiCl3, ईथर एज ए सॉल्वेंट दे रखा है, एंड देन आपने हमको दे रखा है रिफ्लक्स कंडीशन, तो मुझे पता चल गया कि ये टाइटेनियम बेस्ड मेटल आता है मैकमुरी कपलिंग रिएक्शन के अंदर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन का एक रिएक्शन है, और मैं डायरेक्ट ही ई डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो शॉर्टकट मेथड से ही देखेंगे। देखिए, ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, इसके अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप है एक ही मटेरियल में, दिस वन फर्स्ट वन एल्डिहाइड रहेगा और सेकेंड वन को मैं येलो मार्क कर देता हूँ, और इस कार्बन को मैं नंबर में दे देता हूँ, सपोज ये वन है, टू, थ्री, फोर, फाइव, और नीचे वाला सिक्स नंबर है, यानी कि अगर आपने TiCl3 यूज में लिया तो जो रेडिकल बनेगा वन एंड सिक्स के ऊपर बनेगा, तो ये वन एंड सिक्स के ऊपर आपके पास रेडिकल जनरेट हो गया, जिसे मैंने हाईलाइट किया दिस पिंक से। अब आपके पास क्या हुआ, रेडिकल का अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा तो क्या हो सकता है, डाइमराइजेशन होगा। तो नेक्स्ट वन इज डाइमराइजेशन की आपके पास रिएक्शन परफॉर्म करनी है, ये डाइमराइजेशन, और आपके पास क्या बन गया, ये दोनों वन एंड सिक्स डाइमर हो गए, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड बना, तो दो ऑक्सीजन आपके पास सेम फेस के अंदर आपके पास आ गए, या तो ये अबाउ द प्लेन रहेंगे या बिलो द प्लेन रहेंगे। फिर रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या देखने को मिल रहा है, टाइटेनियम ना, तो ये टाइटेनियम के साथ बाइंड अप हो जाएंगे, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए, दिस वन, अगर मैं टाइटेनियम मेटल साथ में ले रहा हूँ तो ये टाइटेनियम के साथ बाइंड अप हो गए, टाइटेनियम के साथ बाइंड अप हो गए, अगर आपने रिफ्लक्स किया तो TiO2 के रूप में बाहर, और आपको देखने को क्या मिलेगा यहाँ पे E डबल बॉन्ड, ये E या Z कुछ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक है, इसलिए आपको क्या लग रहा है कि ये मतलब Z डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के सेम साइड सब स्टिट्यूएंट है, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में E और Z हम दोनों ही अभी रिलेटिव नहीं करेंगे, तो मैं इस Z को E को मिटा देता हूँ, आप सिर्फ ये लिख लीजिए, आपके पास जो प्रोडक्ट में क्या दिखाई देगा, डबल बॉन्ड दिखेगा, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ओके माय डियर।
अब नेक्स्ट वन इज, अगर आपके पास एरो के ऊपर जो आपको रिएक्शन दे रखी है वो क्या दे रखे हो, रूम टेम्परेचर। जैसे मैं इसे हाईलाइट करता हूं, रिएक्शन ऑन रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर हम प्रोसीड करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो डिफरेंट प्रोडक्ट आपको ऑप्टन होंगे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कंडीशन। लाइक पहला जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है ये है आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल, इसको मैं नाम देता हूं वन नंबर कार्बन। आप अगर TiCl3 यूज में लेंगे तो ये दो मोल रहेगा आपके पास, ठीक है, तो आपके पास दो रेडिकल्स बनेंगे, ये भी वन नंबर और इसको मैं दे देता हूं सेकंड वाले मॉलिक्यूल को टू नंबर कार्बन। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से बना। अब हमने क्या किया, डाइमराइज होगा ये डेफिनेटली डाइमराइज, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो डाइमराइज करवा दीजिए इसे और इसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, तो ये आपका वन और ये आपका टू नंबर। मैं नाम वापस दे देता हूँ, दिस वन और दिस टू। और अरेंजमेंट भी ऐसे होता है कि जो बल्काइल ग्रुप है लाइक पीएच जिसे हाईलाइट करता हूँ येलो से, ये पीएच और ये पीएच आपस में फार अवे है, और दोनों ऑक्सीजन या तो सेम फेस में रहेंगे अबाउ द प्लेन रह सकते हैं या बिलो द प्लेन, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अबाउ द प्लेन। अगर अबाउ द प्लेन है तो डेफिनेटली टाइटेनियम इसे बाइंड अप करेगा, टाइटेनियम बाइंड अप किया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं माय डियर, हम रख रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, हमने रखा है रूम टेम्परेचर पे और इसे हम क्विंच यानी वर्कअप कर रहे हैं H2O से। H2O से वर्कअप करने पर हमारे पास क्या बनेगा कि रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी टाइटेनियम मेटल को नहीं मिल पाती कि वो TiO2 बना के इसे एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। जब एनर्जी इतनी नहीं मिल पाती तो डेफिनेटली ये सेकंड प्रोडक्ट बनाएगा। जब हम इसे क्विंच करेंगे या वर्कअप करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा डाइवल, सिस्ट डाइवल देखने को मिलेगा। अब चूंकि ये आपके जो OH है या तो अबाउ या प्लेन हो सकते हैं दोनों के दोनों, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, ये OH ऊपर, ये भी आपका ऊपर, ये 50% रहेगा और एक ऐसा बनेगा कि जिसमें दोनों ही OH आपके डाउन द फेस हो, तो वो भी कितना रहेगा आपके पास, इसको मैं हाईलाइट करता हूं एक्वा कलर से, वो भी 50% रहेगा। ये आपके पास बन गया डाइवल, कब, जब आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर से क्विंच किया यानी कि वर्कअप किया, तो उस कंडीशन में आपके पास मिलेगा डाइओल। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू मैकमोरी कपलिंग रिएक्शन, उसके अंदर हम कुछ एक क्वेश्चन लेके उनका जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन पूरा कर देंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई थिंक आप सभी को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।